फाइनली फ्रेंड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म टाइगर 3 जल्द ही इंडियन बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है। लेकिन उससे पहले इस फिल्म का एक दमदार धमाकेदार ट्रेलर भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के जो दमदार शानदार पोस्टर रिवील किए हैं, जिसमें आपको स्विगी अवतार में एक बार फिर से बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सुपरस्टार सलमान खान नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बज क्या है? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल की और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग ले पाएगी या नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप भी भाईजान के यानी कि सलमान खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पाई यूनिवर्स से शुरुआत ही सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर से शुरू हुई थी, जहां पर इस फिल्म ने एडवांस सिनेमा के सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे और हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी। सुपरस्टार सलमान खान इस फिल्म में टाइगर के रोल में नजर आए थे और उनका साथ दिया था कैटरीना कैफ ने, जो कि इस फिल्म में जोया के कैरेक्टर में नजर आई थी। अब इस फिल्म की शुरुआत तो हो चुकी थी, इसके बाद इस फिल्म का सेकंड पार्ट आया जो कि बॉलीवुड इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। तो वहीं अब इस फिल्म का थर्ड पार्ट आ रहा है जिसका टाइगर 3 का फाइनल मिशन नाम रखा गया है। ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका इंतजार ऑडियंस को काफ़ी बेसब्री से था और जिस दिन इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था उसी दिन ये कन्फर्म हो चुका था कि ये फिल्म बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर और सबसे बड़ी ग्रोसर बनने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी को बताते चले कि सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 जो कि लगभग 300 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई है, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 10 नवंबर को लगभग 4500 से 5000 स्क्रीन पर हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं को मिलाकर ये फिल्म लगभग 5500 स्क्रीन पर रिलीज होगी। यानी कि 5500 स्क्रीन पर सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म को इंडिया में और लगभग 9000 से 10000 स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। टाइगर 3 का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है और इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं कि इस फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स पहले ही मिल चुका है। इस फिल्म के मेकर से इस फिल्म के जो पोस्टर रिवील कर रहे हैं उसमें सुपरस्टार सलमान खान का सोलो पोस्टर रिवील किया गया जिसमें वो स्विगी अवतार में नजर आ रहे हैं, उसे भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया। तो वहीं कैटरीना कैफ का भी जो सोलो पोस्टर रिवील किया गया है वो भी ऑडियंस पसंद कर रही है। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म इंडियन सिनेमा की इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग मिलती नजर आ रही है। अगर बात की जाए इस फिल्म के ट्रेलर की तो इस फिल्म का एक्शन और विजुअल से भरपूर ट्रेलर आपको 16 अक्टूबर को यशराज ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले इस फिल्म के मेकर्स ने जो पोस्टर रिवील किए हैं वो दमदार अंदाज में इस फिल्म का बज क्रिएट करने में कामयाब रहे। अब बात की जाए यहाँ पर अगर बॉक्स ऑफिस की तो बताते चले आपको कि अगर सुपरस्टार सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 10 नवंबर को यानी कि धनतेरस के मौके पर रिलीज हो रही है तो इस फिल्म को अपने पहले दिन लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे रहता है और सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ फिल्म 13 तारीख को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो 100 करोड़ रुपए से 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब हो सकता है। सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस को काफ़ी बेसब्री से है और उम्मीद है कि ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की एक नंबर वन ग्रोसर फिल्म सिर्फ कुछ ही दिनों में बन सकती है। फिलहाल इस फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में बातें चल रही हैं, वो ये है कि ये फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का जो एक्शन है वो एक अलग ही लेवल का होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म को अगर 10 नवंबर को रिलीज किया जाता है तो ये फिल्म 90 से 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी और अपने लाइफ टाइम में लगभग 700 से 1000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। तो वहीं अगर इस फिल्म को 13 नवंबर को रिलीज किया जाता है तो इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का कलेक्शन 100 से 120 करोड़ रुपए का सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से और दुनिया भर से 150 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ओपनर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बनने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म पठान और जवान के पहले दिन का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ ही देगी। लेकिन अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे व्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म लाइफ टाइम में 700 से 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बनेगी। फिलहाल फ्रेंड आपको क्या लगता है, क्या सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 जिसमें आपको शाहरुख खान का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है? फ्रेंड अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।